तो दोस्तों हिंदी का इम्प्लस सीखने के लिए आपको रफ़ ऑफ पेन की ज़रूरत होगी। इस दोनों चीज़ को लेकर बैठ जाइए और फिर आप फ़ोन को साइड में रख दीजिए और आपको जो जो शब्द सुनाई दें उनको आप लिखते जाइए। उसके बाद में पूरा जब आप पूरे शब्द लिख चुकेंगे उसके बाद में आप फ़ोन उठाइए, सारे शब्द मिलाइए, स्क्रीन पे सारे शब्द दिख रहे होंगे उनको मिलाइए और जो गलती हो उनको फिर काट दीजिए आप। फिर उसके बाद में दूसरे पेज में लिखिए, कम से कम 5 बार एक शब्द को लिखिए। उसके बाद में 5 बार पढ़ना भी है, उसके बाद में कमेंट भी कर देना कि कितनी आपकी गलती हुई है। वीडियो का स्टॉप कर 1-2 बार इसको ध्यान से पढ़ लें, फिर लिखना स्टार्ट करें। हिंदी इमला 7। मैंने 1 छोटी टोकरी कुछ अन्नो में खरीद ली। फल रखने की दूसरी टोकरी कुछ अधिक में रद्दी कागज रखने की एक सुंदर टोकरी ₹1 में सिलाई का सामान रखने वाली आकर्षक टोकरी 1 रुपये में कुछ पंखे 1 अन्य का 1 के हिसाब से या 2 पैसे का 1 के भाव में खरीद मेरी भुजिए भर गई थी और मैं 50 सेंट भी न खर्च पाया था। अपने सामने सामान को बेचने
के लिए शोर मचाते हुए बच्चों ने मुझ पर दबाव डाला। मैं एक कैदी के समान था। बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था। मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता था। सबसे अधिक परिश्रम करने वाली आक्रामक समान विक्रेता 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी जो मेरे बिल्कुल सामने थी। वह आग्रहपूर्वक निवेदन कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार से अपनी टोकरी बेचने आग्रह बेचने का आग्रह कर रही थी कि उसके शब्द
किसी भी हृदय को पिघला सकते थे। उठाइए, सारे शब्द मिलाइए, स्क्रीन पे सारे शब्द दिख रहे होंगे, उनको मिलाइए और जो गलती हो उनको फिर काट दीजिए आप। फिर उसके बाद में दूसरे पेज में लिखिए, कम से कम 5 बार एक शब्द को लिखिए, उसके बाद में 5 बार पढ़ना भी है, उसके बाद में कमेंट भी कर देना कि कितनी आपकी गलती हुई है।